दोस्तों आज है सैटरडे और आज हम लोग जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। अपने साथ पीकू भी आएगा। पीकू बहुत एक्साइटेड है उसको लेके। क्या पीकू बोल दो, एक्साइटेड हो कि नहीं बोल दो। ठीक है, बेचारा बोल नहीं पा रहा है। अभी अपना ब्रेकफास्ट हो चुका है और चाय के लिए वेट कर रहे हैं। सुबह का ये एक राउंड हो गया, अभी सेकंड राउंड चाय चल रहा है। देखते चाय कितना बना है अपना। और ये देखिए अपना चाय बन रहा है। गाइस हम लोग तैयार हो गए। हम लोग सब, और पीकू तैयार हो रहा है। अच्छा पिगु तैयार हो रहा है, वो देखिए सबसे मेन आदमी है वो। सबसे मेन आदमी है, उसको बिना तो हम जा ही नहीं सकते और उसके हवाले पूरा फ्लैट करके जा भी नहीं सकते। तो फ्रेंड्स हम सब तैयार हैं और अभी हम जा रहे हैं, ए पीकू, पीकू, हम जा रहे ये हैं शॉपिंग करने के लिए। देखते हैं कुछ पसंद आता है कि नहीं। यस हमारे घर पे काफी टाइम से ड्रेसिंग टेबल नहीं है, तो हम ड्रेसिंग टेबल लेने जा रहे हैं। ऑनलाइन हमने बहुत देखा बट हम श्योर नहीं हो पा रहे कौन सा ले, तो हमने सोचा कि चलो जाके खुद ही देख के आते हैं। ये चलो, चलो, मम्मी जी ये रेडी, पीकू रेडी, सब रेडी पापा है। रेडी और मामा रेडी। तो अभी जो है हम अपने गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं। पीकू पीकू बहुत दिनों के बाद बाहर निकला है। लास्ट हम निकले थे दुर्गा पूजा के वक्त, उसके बाद से कुछ ऐसा मौका ही नहीं आया कहीं बाहर जाने के लिए। हाँ, दिवाली के वक्त थोड़ा हम बाहर आए थे। ए पिकू बाबू, वो अभी जो है सो के उठा है इसलिए उसका मूड थोड़ा सा जो है। पिकू ए स्माइली बेबी, वेर इज योर स्माइल? ओले बाबले, ओ बावली। पिकू हाय, वेर आर वी गोइंग? वी आर गोइंग फॉर शॉपिंग, फॉर ममा शॉपिंग। और ये मनामी जा रही है, पीकू का कुछ कपड़ा है वो ड्राई क्लीनिंग करने के लिए देने के लिए। মা পাচ্ছ দেখতে গেলো এই বোর্ড গুলো, দেখো ডিসপ্লে চেঞ্জ চেঞ্জ হতে থাকে। এই দেখো হাউ ড্রাই। तो आज हम आए हैं ईशानिया मॉल में, जो कि पुणे के येरवाड़ा लोकेशन में स्थित है। ये बहुत ही बड़ा फर्नीचर मॉल है। यहाँ पे होम डेकोर के बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। और अभी हम गाड़ी पार्क करके सीधे ही मॉल के अंदर चलेंगे और हमें जो सामान चाहिए, तो यहाँ पे बहुत सारे शॉप्स हैं, जैसे पेपर फ्राई है, अर्बन लैडर है, होम लेन है, होम डेकोर है, ऐसे बहुत सारे शॉप्स हैं यहाँ पे इस मॉल के अंदर। तो देखते हैं हमें क्या पसंद आता है। डी मम्मी, जोन डी। हाँ, जोन डी। जोन डी पे पार्किंग हो चुकी है और ये हम चले मॉल के अंदर। এই গাছগুলো আমি বলছিলাম ঘরে ডেকোরেশনের জন্য, ভালো না এগুলো? বিউটিফুল লাগছে। तो ये बेसमेंट एरिया है, आपने देखा ही, बहुत ही ब्यूटीफुल। एक फ्लावर शॉप था फॉर होम डेकोर एंड टेरा कोटा के बहुत सारी चीज़ें हैं, फर्नीचर्स है। तो बेसिकली ये जो बेसमेंट एरिया है, पर हमें जो शॉप्स में जाना है वो फर्स्ट फ्लोर में है। तो विदाउट मच डिले हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो यहाँ पे हम जाने वाले हैं, सबसे पहले हम विज़िट करेंगे पेपर फ्राई, उसके बाद हम जाएंगे अर्बन लैडर एंड और भी बहुत सारे हैं, जैसे मैंने बोला वेकफिट है, वुडन स्ट्रीट है, वैसे और भी यू नो शॉप्स है। तो देखते हैं हमें कहाँ पे ड्रेसिंग टेबल मिलता है अच्छा वाला एज़ पर नीड एंड रिक्वायरमेंट। तो
तो हम सबसे पहले आए हैं पेपर फ्राई शॉप में। हमने ऑनलाइन कुछ पिकू ड्रेसिंग टेबल्स पिकू शॉर्टलिस्ट किए थे, तो हम यहाँ पे आए हैं देखने के लिए इफ़ ये सब ड्रेसिंग टेबल्स डिस्प्ले में अवेलेबल है, तो हम वो खुद अपने आंखों से एक बार हैंड्स ऑन देख लेंगे। पेपर फ्राई में हमें एक दो ड्रेसिंग टेबल्स पसंद आए हैं तो वो हम शॉर्टलिस्ट करके आए हैं, बट हम वापस एक बार अर्बन लैडर जाके देखने वाले हैं कि वहाँ पे हमें कुछ पसंद आता है कि नहीं, क्योंकि हमारा डाइनिंग टेबल अर्बन लैडर का है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। मतलब तुमने ड्रेसिंग टेबल ले लिया, फिक्स हो गया? फिक्स हो गया, अभी पहले खाना खाएंगे, पेट पूजा। अच्छा, फिर उसके बाद बोल के घर निकलेंगे। ओके, आप पीकू सो रहा है ना? पीकू आराम से सो रहा है। ठीक है, चलो खाना खा लेते हैं। तो गाइज, हम लोग खाना खाने आ गए हैं गुड न्यूज़ ढाबा में। तो आप देख ही रहे हैं, पल्लव गया है मम्मी जी। तो देखते हैं हमें कहाँ बैठने की जगह मिलती है। तो हम यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं 4-5 बार। ये हम आए हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, आप देख ही रहे डेकोर। हाय, मैं हाई कर रही हूँ, टुप्पी को बाय कर रहा है और पीछे मैच चालू है। तो आज हमने खाया है राइस, पनीर, चिकन, कबाब्स, शिकंजी, और खाना तो बहुत ही टेस्टी था। अब हम चल दिए हैं घर के तरफ, मॉल काफ़ी बड़ा है तो काफ़ी सारा चलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, फाइनली हमारी शॉपिंग हो गई। हम लोग 4 घंटे से यहाँ पे घूम के खाना वाना खा के सब कुछ हो गया, शॉपिंग हो गया। और पीकू पीकू 2 बार सो गया, पीकू की 2 बार नींद भी हो गई, अभी पीकू जाग गया है और हम लोग निकल पड़े हैं घर के लिए। और एक बार हमारा सामान घर पे आ जाएगा तो हम आपको वापस बताएंगे कि हमने क्या खरीदा। बाय।